हाय दोस्तों, आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम 11 टिप एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आईपीएल का जो कल पहला क्वालिफायर खेले जाने वाला है सनराइजर हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग के बीच में, उसकी ड्रीम 11 के लिए टीम, क्रिकेट प्लस प्लस डॉट कॉम के लिए टीम और क्रिक मनी के लिए टीम। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। उसका फायदा दोस्तों यही होगा, आगे जितने भी मैचेस के मैं वीडियो अपलोड करूंगा उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। अब देखिए, मैच की बात करते हैं तो देखिए, ये मैच होगा मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। वहाँ की पिच की बात करें तो बैटिंग पिच रहती है और फास्ट बॉलर को मदद मिलती है, तो 170 प्लस का स्कोर बनता है और चेज भी हो जाता है, तो जो बैटिंग सेकंड करती है उसके जीतने के चांसेस रहते हैं। अब देखिए, जो टीमें हैं जो लीग स्टेज में फर्स्ट नंबर पर रही थी सनराइजर हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग सेकंड नंबर पर रही थी, तो दोनों टीमों के बीच आईपीएल में लीग स्टेज में दो मैचेस हुए थे और दोनों ही मैचेस चेन्नई सुपर किंग ने विन करे थे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो चेन्नई सुपर किंग का पलड़ा भारी है, लेकिन जो सनराइजर हैदराबाद है वो भी काफ़ी अच्छी है टीम जब भी वो पहले नंबर पर रही थी। तो आपको सारी डिटेल्स मैं दूंगा कि प्लेइंग 11 किस तरह से होगी, क्या स्टैट्स अब तक रहे हैं, तो सारी डिटेल्स आपको देंगे नोट्स में। उससे पहले दोस्तों लाइव रिजल्ट आपको दिखा देते हैं। हैमसर और सरे के बीच जो मैंने आपको टीम दी थी उसका मैंने सिर्फ दो लीग ही ज्वाइन कर पाया क्योंकि लेट हो गया था, लेकिन आप देखिए दोनों लीग्स में रैंक फर्स्ट चल रही है। उम्मीद करूंगा आपकी भी रैंक फर्स्ट चल रही होगी, तो अगर रैंक फर्स्ट है आपकी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अब नोट्स में चलते हैं, वहां से आपको सारी डिटेल्स देते हैं। तो फर्स्ट क्वालिफायर है, जो क्वालिफाई वन जीत जाएगी वो सीधा फाइनल में चली जाएगी और जो सेकंड क्वालिफायर होगा उसमें जो है दूसरी टीम आएगी और जो एलिमिनेटर में से टीम जीतेगी उसके साथ उसका मैच होगा, फाइनल में चली जाएगी। तो सीएसके और एसआरएच के बीच मैच है, मुंबई में होगा मैच। पिच टाइप का मैंने बताया, बैटिंग फ्रेंडली पिच रहती है, एवरेज इनिंग स्कोर 170 रहता है फर्स्ट इनिंग में और सेकंड इनिंग में 178, यानी कि जो बैटिंग सेकंड करती है उसके ज़्यादा जीतने के चांसेस रहते हैं। अब हेड टू हेड की बात कर लें, सबसे पहले पूरे आईपीएल की बात करें तो टोटल 8 मैच हुए हैं दोनों टीमों के बीच, 6 चेन्नई ने जीते हैं और 2 सनराइजर हैदराबाद ने, तो ये टोटल है। अब बात करें आईपीएल 2018 में, तो मैंने आपको बताया 2 मैचेस खेले गए हैं दोनों टीमों के बीच और दोनों चेन्नई सुपर किंग ने विन किए हैं। अब उसी के हिसाब से देख लेते हैं की प्लेयर्स। तो मोस्ट रन की बात करें तो चेन्नई की तरफ से संभाती रेडू और केन विलियमसन ने बनाए सनराइजर हैदराबाद की तरफ से सबसे ज्यादा रन, और मोस्ट विकेट की बात करें तो शार्दुल ठाकुर 14 विकेट ले चुके हैं और सिद्धार्थ कौल 17 विकेट, तो ये दोनों जो है विकेट टेकर हैं अपनी अपनी टीमों से। अब लाइकली प्लेइंग 11 की बात कर लें चेन्नई की, देखिए प्लेइंग 11 में ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे, लास्ट मैच में शेन वाटसन को ड्रॉप किया गया था तो वो प्लेइंग 11 में आ जाएंगे। शेन वाटसन अंबाती रेड ओपन करेंगे, फिर सुरेश रैना, सैम बिलिंग्स, एमएस धोनी, रविंद्र जडेजा, ड्वेन ब्रावो, हरभजन सिंह, दीपक चाहर, लुंगी एनगिड़ी और शार्दुल ठाकुर, तो देखिए लाइकली प्लेइंग 11 यही है। इसमें कोई चेंजेस होने के मुझे नहीं लगता चांसेस होंगे क्योंकि सबसे अच्छी जो इनकी प्लेइंग 11 है मुझे अब यही लग रही है। अगर कोई प्लेयर को इंजरी हो जाती है तो ही वो चेंजेस करेंगे अपनी प्लेइंग 11, तो उसकी अपडेट अगर देती है टीम तो मैं आपको वीडियो बना दूंगा, वरना यही प्लेइंग 11 यहाँ से रहने वाली है। देखिए सनराइजर भी ज्यादा चेंजेस नहीं करेंगे, तो मैं आपको प्लेइंग 11 बता दूं। देखिए मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 क्या होगी, शिखर धवन और एलेक्स हेल्स ओपन करेंगे, फिर केन विलियमसन, मनीष पांडे, यूसुफ पठान, साकिब अल हसन, श्रीवास गोस्वामी, राशिद खान, भुवनेश्वर कुमार, सिद्धार्थ कौल और संदीप शर्मा। मेरी तरफ से दोस्तों जो मुझे लगता है अभी तक ये प्लेइंग 11 रह सकती है। अब देखिए चेंजेस क्या हो सकते हैं, देखिए वो क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से कार्लोस ब्रैथवेट को ला सकते हैं और श्रीवास गोस्वामी को यहाँ पे ओपन करवा सकते हैं शिखर धवन के साथ, क्योंकि कार्लोस ब्रैथवेट ने लास्ट मैच में ऑलराउंड परफॉर्मेंस अच्छा दिया था, तो वो एक ऑलराउंडर को अपनी टीम में ला सकते हैं जो बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेता है, तो एलेक्स हेल्स को ड्रॉप कर सकते हैं, तो यहाँ से एलेक्स हेल्स थोड़े से रिस्की हो जाते हैं, तो इस वजह से आप देख लीजिएगा। और जितने प्लेयर है भुवनेश्वर कुमार, सिद्धार्थ कौल, संदीप शर्मा और तो प्लेइंग 11 यही यहाँ पे रहने वाली है, ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। अब मेन चीज है दोस्तों आपको कैप्टन वाइस कैप्टन किस तरह से बनानी है। देखिए सबसे पहले कैप्टन चॉइस देख लेते हैं, वो चॉइस जो सबसे ज्यादा लोगों के यहाँ से कैप्टन रहने वाले हैं, तो वो होंगे अंबाती रायडू, केन विलियमसन, शेन वाटसन, शिखर धवन और सुरेश रैना, पांचों बैट्समैन है और काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, तो हर टीम में आपको ये पांच प्लेयर जरूर मिलेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन के रूप में। अब आपको क्या कर रहा है, अगर आपको दूसरों से अलग करना है तो वो प्लेयर आपको कैप्टन बनाने जो ज्यादा पॉपुलर नहीं है, यानी कि जिन्हें कैप्टन नहीं बनाया जाएगा, तो देखिए वो होंगे मनीष पांडे, अब एलेक्स हेल हो सकते हैं अगर वो खेलते हैं, तो फिर सैम बिलिंग्स, साकिब अल हसन और एम एस धोनी, तो ये तीन चार से पांच प्लेयर वो हैं जिनको सबसे कम लोगों के द्वारा कैप्टन बनाया जाएगा, और अगर ये चल गए और आपके कैप्टन हुए तो आपके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो देखिए आपको दोस्तों काफी सारी मैंने यहाँ से डिटेल्स दे दी, अब देखते हैं ड्रीम 11 की टीम आप किस तरह से बना सकते हैं।
तो दोस्तों ड्रीम इलेवन की टीम देखने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए और आप विन कर रहे हैं मेरे द्वारा दिए गए टीम से तो वीडियो को एक लाइक कर देना। उससे क्या होगा, मुझे दोस्तों काफी मोटिवेशन मिलता है। जैसा कि आप काफी विनिंग के मुझे कमेंट कर रहे हैं कि आप जीत रहे हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो आप एक लाइक कर देंगे तो जो मेरी मेहनत है वो सफल हो जाएगी। तो टीम देख लेते हैं किस तरह से आपने बनानी। देखिए मैंने एक टीम ही बनाई है और थोड़ा सा वक्त लग रहा है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ मैं काफ़ी दिनों से फॉलो कर रहा हूँ, स्मॉल लीग में हमेशा जीत रहा हूँ, आप भी जीत रहे होंगे। तो स्मॉल लीग के लिए ये टीम मैंने भी बनाई है क्योंकि फोकस मेरा मेनली स्मॉल लीग्स पे ही है। तो आपको टीम प्रीव्यू के द्वारा ही समझा देता हूँ और फिर मैं चेंजेस भी आपको बताऊंगा। देखिए जो मेरी मेन टीम रहने वाली है वो ये, क्योंकि एम एस धोनी क्रेडिट में फिट नहीं बैठ रहे तो मैंने श्रीवत्स गोस्वामी को लिया विकेट कीपर में। फिर चार मैंने अच्छे बैट्समैन ले रखे हैं, सुरेश रैना, अंबाती रेडू को मैंने कैप्टन बनाया, फिर शिखर धवन और केन विलियमसन को वाइस कैप्टन। चार मैंने बैट्समैन ले लिए। फिर ऑलराउंडर में शाकिब अल हसन, रविंद्र जडेजा और शेन वाटसन को ले लिया है, और बॉलर में सिद्धार्थ कौल, दीपक चाहर और लुगी एनगिडी। तो देखिए मेन टीम तो मेरी यही रहेगी। अब देखिए चेंजेस क्या कर सकते हैं, मैं आपको वो भी एक बार से बता देता हूँ। पहला चेंज दोस्तों आप ये कर सकते हैं, यहाँ से आप साकिब अल हसन को नहीं लेना चाहते तो यहाँ से आप मनीष पांडे को ले सकते हैं। साथ में आप मनीष पांडे को नहीं लेना चाहते और तो साकिब अल हसन की जगह आप एक एक्स्ट्रा बॉलर राशिद खान को ले सकते हैं, ये आप दो चेंज कर सकते हैं। साथ में रविंद्र जडेजा के साथ आपके पास ऑप्शन है कि आप सैम बिलिंग्स को ले सकते हैं। तो मैंने आपको तीन ऑप्शन बताए, आप साकिब अल हसन की जगह मनीष पांडे या राशिद खान को ले सकते हैं, पहला चेंज कर सकते हैं। सेकंड आप रविंद्र जडेजा को ना लेके सैम बिलिंग्स को ले सकते हैं। तो ये कुछ चेंजेस है जो आप करना चाहे तो अपनी टीम में कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई दोस्तों ड्रीम इलेवन के लिए। अब आपको एक बार से cricketplusplus.com और फिर क्रिक मनी की टीम में जल्दी से बता देता हूँ। तो दोस्तों अब आ गया हूँ मैं cricketplusplus.com का। देखते हैं मैंने एंड्रॉइड ऐप जो है वो डाउनलोड कर रखा है। अगर आप वेबसाइट पे हैं और डाउनलोड नहीं करा आप वेब, तो आपको ऊपर एक लिंक मिल जाएगा वेबसाइट पे, जब आप जाएंगे और वहाँ से जाके आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आपको देखिए मेन चीज़ क्या करनी है, अगर साइनअप नहीं कर रखा है हमने cricketplusplus.com के लिए तो कर लीजिए। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे आपको 25 रुपये का कैश बोनस मिल जाएगा। उससे जो दोस्तों आप 25 रुपये वाली लीग है वो खेल सकते हैं, आपको अलग से पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। और अगर आप 25 रुपये से बड़ी लीग खेलना चाहते हैं तो आपको 100 रुपये अपने अकाउंट में ऐड करेंगे तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा और ये अपनी तरफ से दे देंगे। तो इस तरह से चलता है इनका सिस्टम। अब देखिए आपको करना क्या होता है, आपको टीम लेनी होती है, उसमें आपको 5 प्लेयर ऐसे पिक करने होते हैं जो आपको लगेगा मैच में सबसे अच्छा परफॉर्म करेंगे, और 3 प्लेयर वो लेने होते हैं जो आपको लगेगा मैच में सबसे बेकार परफॉर्म करेंगे। अब आपके कितने प्लेयर जो है सही निकलते हैं उसी के हिसाब से आपको पॉइंट मिलते हैं, यानी कि फैन स्कोर मिलता है, और आपको उसके जो पॉइंट मिलेंगे वही फिर ड्रीम इलेवन सिस्टम वहाँ से चल जाएगा कि जिसके जितने ज़्यादा पॉइंट उसकी रैंक इतनी ऊपर। तो अब हैदराबाद और चेन्नई के बीच जो मैच है, देखिए मैंने जो यहाँ से प्लेयर ले रखे हैं, तो पहले बात करते हैं जो 5 प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो मैंने लिया शिखर धवन, केन विलियमसन, शेन वाटसन, सुरेश रैना, अंबाती राडू। और जो 3 प्लेयर मैंने लिए जो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे मुझे ऐसा लगता है वो ले लिया मैंने श्रीवास्तव गोस्वामी, यूसुफ पठान और हरभजन सिंह। अब अच्छी बात यहाँ पे ये भी है कि आप टॉस के बाद अपनी टीम एडिट कर सकते हैं, तो अगर आपका कोई प्लेयर इनमें से नहीं खेलता इंजरी की वजह से तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ना तो आपको कोई क्रेडिट की जरूरत पड़ती कि आप चाहें तो एक टीम से सारी ले सकते हैं। उसके बाद ज्वाइन कॉन्टेस्ट पर आप चलेंगे तो आपके सामने देखिए यहाँ से जो कॉन्टेस्ट है वो ओपन हो जाएंगे, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अब देखिए काफ़ी सारे कॉन्टेस्ट, अब जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पे विनिंग्स आ गई। अब देखिए एंट्री फीस की मैं बात कर रहा था, अब देखिए यहाँ पे एंट्री फीस जो है 25 रुपये, आप जैसे साइन अप करेंगे तो आपको जो 25 रुपये का बोनस मिलेगा आप उससे ये लीग खेल सकते हैं, आपको अलग से पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। अब देखिए आप बड़ी लीग खेलना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल 80 रुपये वाली लीग खेलना चाहते हैं तो आपको अमाउंट ऐड करना पड़ेगा। तो जैसा मैंने बताया अगर आप 100 रुपये भी ऐड करेंगे तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक आप जाकर वहाँ से साइन अप कर सकते हैं। तो अब cricketplusplus.com की बात भी हो गई है दोस्तों, अब चलते हैं क्रिक मनी पर। तो दोस्तों आप क्रिक मनी की टीम भी आप एक बार से देख लेते हैं। तो देखिए क्रिक मनी की टीम में मैंने श्रीवास्तव गोस्वामी को विकेट कीपर के रूप में लिया, फिर सुरेश रैना, अंबाती रेडू को मैंने यहाँ वाइस कैप्टन बनाया, फिर शिखर धवन, केन विलियमसन जिसको मैंने कैप्टन बनाया, फिर मनीष पांडे, शेन वाटसन, साकिब अल हसन, दीपक चाहर, लुंगी एनगिडी और राशिद खान, ये मेरी टीम रहने वाली है क्रिक मनी के लिए। साथ में आपको बता दूं आप टॉस के बाद भी अपनी टीम एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी अगर कोई सा प्लेयर नहीं खेलता है इंजरी की वजह से या कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप उसे चेंज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे टॉस के बाद आपको आपकी टीम एडिट करने का जो है मौका मिलता है। अब आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको क्रिक मनी के लिए भी लिंक मिलेगा, वहां से जाके ज्वाइन करेंगे तो आपको 25 रुपये का कैश बोनस मिलता है। ये जो कैश बोनस मिलता है दोस्तों आप इसे 50% तक यूज कर सकते हैं किसी भी पेड लीग में, और फ्री लीग्स भी हैं कुछ जो आपको फ्री में खेलने को मिलती है आप उतने खेल सकते हैं। और बड़ी लीग खेलना चाहते हो और अमाउंट ऐड करना चाहते हो तो आपको एक डिपॉजिट कोड भी मिलेगा क्रिक मनी के डिस्क्रिप्शन में आपके, उसका आप यूज करेंगे तो आपको 50% तक एक्स्ट्रा बोनस मिलता है फर्स्ट डिपॉजिट पे। जो फ्री लीग्स की बात कर रहा हूँ मैं वो भी आपको एक बार से दिखा देता हूँ। अब देखिए जो फ्री लीग है इसे
आप खेल सकते हैं जिसमें आपको कोई पैसा नहीं देना होगा, आपको अच्छा लगेगा तो आप बड़ी लीग्स भी खेल सकते हैं जिसमें आप बड़ा बड़ा विन यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरह से क्रिक मनी पे साइन अप कर लीजिए और विनिंग करते रहिए। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो देखिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आपको जो हमारी लेटेस्ट वीडियो मैं बनाऊंगा उनको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। और आगे कुछ अपडेट आती है मैच से रिलेटेड तो उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बना के आपको अपडेट जरूर कर दूंगा।